आज सबसे पहले आपको उस राज्य की खबर से खबरदार करते हैं जहां दावा है कि आर्थिक संकट की वजह से पहले सीएम मंत्रियों ने 2 महीने की सैलरी लेने से मना किया और अब कर्मचारियों को ही 3 तारीख आ जाने के बाद वेतन नहीं दिया गया। खबर हिमाचल प्रदेश की है जहां आर्थिक संकट के बीच अब 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशन पाने वालों को अगस्त महीने का वेतन पेंशन अब की 3 तारीख तक नहीं मिला। दावा हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 1 तारीख को कर्मचारी न तो वेतन पाए हैं और न ही पेंशन। दावा इस बात का कि आज भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन पेंशन अगस्त का मिलने के आसार नहीं दिख रहे। ये हालत तब है जबकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स का अलग अलग मदों में पैसा जो सरकार को देना है वो 10,000 करोड़ रुपए पहले ही सरकार नहीं दे पाई है। आज तक ने आपको दिखाया था कि कैसे 94,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश पर कर्ज है जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए पहुंच गया है और अब सैलरी का संकट जहां कर्मचारी चिंतित हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। सरकार हिमाचल की दावा करती है कि कहीं कोई आर्थिक संकट नहीं है। आमतौर पर क्या हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को पेंशनरों को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। पहले थोड़ा सा भी पता हो कि इस फर्स्ट को आपकी सैलरी नहीं आएगी तो कोई इंतजाम करेगा, कुछ ना कुछ तो कुछ करेगा ही, चाहे उधार लेगा कुछ भी लेगा, चलो राशन के 2-4 हज़ार रुपये कुछ तो बंदे रखते। जरूरी नहीं है कि सबकी ही सैलरी इतनी है कि वो गुजारा कर सके, क्योंकि फर्स्ट को हर आदमी ने अपना बजट बनाया होता है। ऊपरी मंजिल से मकान मालिक देखता है, दरवाजे से दूध वाला देखता है, पेपर वाला भी, चलो पेपर हर आदमी का होता है, राशन वाले भी बोलते हैं, सब्जी वाले भी बोलते हैं, स्कूल में ज्यादा फीसें जमा करनी बच्चों की, हर आदमी की अपनी समस्या है, वो नहीं जानते भी ऐसी समस्या होगी। इनको 10 दिन पहले बोला होता तो हम जानते भी वाकई समस्या आ जाती है, कहीं कुछ ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई 15 दिन में कि हमारी पैसे बंद हो गए। जो प्रदेश को जो मदद देते हैं उस मदद के जो माध्यम है वो बहुत स्पेसिफिक है। केंद्र से क्या मिलता है? केंद्र से यही मिलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, 6 तारीख को शायद मिशन में उसकी एक किस्त आने वाली है और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया। और इसके अलावा वो केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है इसको ठीक करने की जिम्मेदारी प्रदेश की है ना कि केंद्र की है। कहां पर ये आया है कि यहां पर आर्थिक संकट है? ये ठीक है कि हम किसी कारणवश जो है कुछ रीशेड्यूलिंग करते हैं पेमेंट्स ब्रेक का, तो वो कोई आर्थिक संकट नहीं है, वो सभी सरकारें करती है। वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार है जब 1 तारीख को सैलरी का, हिमाचल के इतिहास में कई चीजें नहीं होगी, जयराम जी की मर्जी से थोड़ी होगी। तो आप कह रहे हैं कि आर्थिक संकट, कोई आर्थिक संकट नहीं है, जो भी हमने वादे किए पब्लिक से उन सभी के ऊपर काम हो रहा है, सभी विकास के कार्यों पे काम हो रहा है,